हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 5 टैक्स सेविंग ऑप्शंस। जी हाँ, 5 सबसे अच्छी बचत योजनाएं यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और ये कवर होंगी अंडर सेक्शन 80C, जिसकी लिमिट है 1,50,000। इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स चाहे आप फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में करें या फिर फाइनेंशियल ईयर के एंड में करें, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आपका टैक्स सेव कर सकती हैं। और यहाँ पे हम जानेंगे 5 सबसे अच्छी एज पर माय ओपिनियन टैक्स सेविंग ऑप्शंस। अगर आप भी जानना चाहते हैं, जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही शेयर भी करिएगा और भी लोगों को अवेयर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सी गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। टैक्स सेविंग करने के लिए टैक्स प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी आपकी टैक्स प्लानिंग होगी, उतनी ही आपकी अर्निंग्स इंक्रीज होंगी क्योंकि आपका टैक्स सेव होगा। तो यहाँ पे मैं जो आपके साथ ऑप्शन शेयर कर रही हूँ, मैं आपके साथ उनका नाम शेयर करूँगी यहाँ पे और उनके फीचर्स डिस्कस करूँगी। आपकी ऑप्शन है, आपको जो स्कीम बेस्ट लगे आप उसे ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस भी उन ऑप्शंस के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहली स्कीम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका नाम है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं ELSS। तो ये सबसे अच्छी स्कीम है टैक्स सेव करने के लिए अंडर सेक्शन 80C। इसके फीचर्स अब हम देखते हैं क्या है। इसका जो मेन फीचर है, सबसे पहला ट्रिपल ई का मतलब है एग्जाम्ड। ये कैसे होता है? जैसे ही आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो होता है एग्जाम्ड। फिर जो अमाउंट उसमें अकम्यूलेट होता है, मतलब जो इनकम उसमें ऐड होती रहती है, वो भी होती है एग्जाम्ड। और जब आप ELSS के अमाउंट टाइम ऑफ मेच्योरिटी जो आपको पैसा मिलता है, वो भी होता है एग्जाम्ड। तो इसका बहुत ही बड़ा फीचर है कि ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आते हैं। जो भी टैक्स सेविंग ऑप्शंस ट्रिपल ई में आते हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका फीचर रहेगा, 3 ईयर्स लॉक इन पीरियड। बहुत ही कम इसका लॉक इन पीरियड है, मतलब 3 साल तक तो आप इनमें से कोई विड्रॉ नहीं कर सकते, बट आफ्टर 3 ईयर्स आपके पास ऑप्शन होती है पैसा विड्रॉ करने का, जो बहुत ही कम पीरियड है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है, हायर रिटर्न। पर हायर रिटर्न होने के साथ साथ ही ये मार्केट के साथ लिंक होते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चूज़ करते हुए इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स को। आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एज़ पर फाइनेंस एक्ट 2018, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ELSS इन एक्सेस ऑफ ₹1,00,000 इज़ टैक्सेबल एट द रेट 10% विदाउट इंडेक्सेशन। फाइनेंस एक्ट 2018 में अनाउंसमेंट की गई थी कि 1,00,000 से ज़्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा, तो ELSS भी उसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो पहली सेविंग स्कीम मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अगर आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास, ताकि आपको याद रहे इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेविंग स्कीम की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है PPF। पहले तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड को कुछ लोग मिक्स कर लेते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करता है, जबकि प्रोविडेंट फंड होता है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, जो उसका एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से डिडक्ट करता है। तो ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये आपके लिए आपकी ऑप्शन पे है। आप इसमें चाहें तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। इसका जो फीचर है, इसका भी सबसे पहला और मेन फीचर वही ट्रिपल ई, जैसा कि ELSS में है, सेम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी है। जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो भी होता है एग्जाम्ड, जो पैसा उसमें अकम्यूलेट होता है वो भी होता है एग्जाम्ड, और विड्रॉल के टाइम पे भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है एग्जाम्ड। तो ट्रिपल ई फीचर जिस भी सेविंग स्कीम में जुड़ जाता है वो होती है बेस्ट सेविंग स्कीम। नेक्स्ट जो इसका फीचर रहेगा वो है जीरो रिस्क। तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, इसकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रिस्क फ्री है। नेक्स्ट फीचर है हायर इंटरेस्ट रेट। बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है PPF पे। ये वेरी भी करता रहता है, अभी जो चल रहा है वो 8-9% के बीच में चल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट वेरी करता रहता है PPF पे, पर अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम पे। जो इसकी नेक्स्ट फीचर है वो है मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹500 पर ईयर। तो आपको
ओनली 500 रुपीज़ पर ईयर ज़रूर डालने होते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करने के बाद। तो ये भी इसका बड़ा अच्छा फीचर है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं है, किसी साल आपकी अर्निंग कम है तो आपको सिर्फ 500 रुपये ही अपने PPF अकाउंट में ज़रूरी डिपॉजिट करने होते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसका एक अच्छा ऑप्शन ये है कि इन्वेस्टर कैन अवेल लोन फैसिलिटी अगेंस्ट PPF डिपॉजिट। जी हाँ, आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है आपके PPF डिपॉजिट के अगेंस्ट, पर ये स्टार्ट होता है फ्रॉम थर्ड फाइनेंशियल ईयर और अप टू द एंड ऑफ फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर तक आपके पास ये ऑप्शन रहती है। साथ ही इसमें एक अच्छी ऑप्शन और है कि इन्वेस्टर कैन ऑल्सो मेक वन विड्रॉल एवरी ईयर बिगनिंग फ्रॉम द सेवेंथ फाइनेंशियल ईयर। तो 7 साल तक का लॉक इन पीरियड है, पर उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं हर साल, जो डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ PPF अकाउंट बैलेंस विद सम कंडीशंस, जो नहीं होनी चाहिए आपके PPF अकाउंट के बैलेंस का जो 50% है उससे ज़्यादा, पर उसके साथ भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी, पर PPF में आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर आप टैक्स सेविंग्स करने की सोच रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे पैसा डालना है, PPF इज़ वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट द मनी। और आजकल पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑनलाइन भी ओपन हो जाते हैं अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे बैंक आपको ऑनलाइन प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करने के ऑप्शंस देते हैं, जिसके लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती और आपके सेविंग अकाउंट के साथ ही आपका PPF अकाउंट लिंक हो जाता है। यूनियन बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक वगैरह सभी ये आपको ऑप्शंस देते हैं ऑनलाइन PPF ओपन करने की, अगर आपका सेविंग अकाउंट है और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट सेविंग ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, और जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है आपको, ये है फॉर सीनियर सिटीजन्स। बेनिफिट क्या है? जीरो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता, और हाइयर इंटरेस्ट रेट। सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट हर स्कीम पे हाइयर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है, अप्रॉक्सीमेट 8-9% के बीच में आपको रिटर्न इस पे मिल जाता है। नेक्स्ट जो उनको जो इसमें एक फीचर मिलता है वो है इंटरेस्ट पे आउट का। वो इंटरेस्ट पे आउट उन्हें मिल सकता है मंथली भी या क्वार्टरली भी, 6 मंथली और ईयरली की भी ऑप्शन होती है। पर सीनियर सिटीजन जिस स्टेज पे होते हैं उस स्टेज पे उन्हें अगर अर्निंग, कोई फिक्स अर्निंग या इंटरेस्ट अगर मंथली या क्वार्टरली मिलता है तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो और मैक्सिमम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स ये चीज़ ऑफर करती है, मतलब मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट ऑफर करती है। नेक्स्ट जो टैक्स सेविंग ऑप्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो इसके फीचर्स आपको बता देती हूँ। पहला फीचर्स तो ये है सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड्स के लिए, तो जिनके घर में हैं बेटियाँ वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। साथ ही ये स्कीम इसलिए भी बड़ी अच्छी है क्योंकि ये भी EEEE कैटेगरी में आती है, एग्जाम, जैसा कि मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है जीरो रिस्क, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑथराइज स्कीम है, और हाइयर इंटरेस्ट रेट, इसका भी इंटरेस्ट रेट बहुत ही अच्छा है और ये हर साल चेंज भी होता रहता है। अभी जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8-9% के बीच में चल रहा है। नेक्स्ट फीचर है मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट ₹250 पर ईयर, जो बहुत ही बड़ा फीचर है। पहले इसकी जो डिपॉजिट की लिमिट थी पर ईयर वो थी 1000 रुपीज़, अब गवर्नमेंट ने इसे कम करके कर दिया है 250 रुपीज़, जो बहुत ही बड़ा रिलीफ है। जो लोग, जो लेबर क्लास वाले लोगों की अगर मैं बात करूँ तो जब भी उनके पास एटलीस्ट 250 रुपीज़ हों तो वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, वो इस स्कीम को ओपन करा सकते हैं अपनी बेटियों के लिए। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट ₹1,50,000। तो मिनिमम तो 250 रुपीज़ डालना कंपलसरी है, बट मैक्सिमम लिमिट है इसकी 1,50,000। फिर विड्रॉल इज अलाउड आफ्टर 18 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड एज, तो इसका विड्रॉल अलाउड होगा जब जिसके लिए आपने अकाउंट ओपन किया है, जिस गर्ल चाइल्ड के लिए आपने अकाउंट ओपन किया है वो 18 ईयर्स की हो जाए, उसके बाद इसका विड्रॉल पॉसिबल हो जाता है, 50% का विड्रॉल अमाउंट इसका पॉसिबल हो जाता है। इस स्कीम के बारे में अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि स्कीम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें और बेनिफिट्स आते हैं जो अगर आप चाहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगी। इसके बाद अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेविंग ऑप्शन की तरफ। इसे आप सेविंग नहीं बोल सकते, यहाँ पे मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है एक इंश्योरेंस की, जिसका नाम है टर्म इंश्योरेंस।
यहाँ पे आपको एक चीज़ खास बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर लेते हैं, मतलब इस तरह का इंश्योरेंस प्लान लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट भी हो। उससे उनको वहाँ पे नुकसान क्या होता है कि रिटर्न रेट, मतलब उसका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, मतलब उसका जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो बहुत ही कम होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ ही, क्योंकि इंश्योरेंस करना भी हर पर्सन की लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, तो आप टर्म इंश्योरेंस को ऑप्ट करिए। अब जानते हैं इसके फीचर्स, ताकि आप जान सकें टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस में सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें आपको कुछ भी पे आउट नहीं मिलता। जब तक आप जीवित रहते हैं, जब तक आप लाइव रहते हैं, तब तक आपको इस स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। पर ये आपकी फैमिली, आपके स्पाउस की लाइफ को सिक्योर करता है कि अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपकी स्पाउस या फैमिली को टर्म इंश्योरेंस के बाद जो भी लिमिट होते हैं टर्म इंश्योरेंस की, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराया है, वो पैसा आपकी फैमिली को मिल जाता है। तो जानते हैं इसके फीचर्स। जो इसका सबसे पहला फीचर है वो है इंश्योरेंस कवर ऑफ लाइफ। तो आपकी लाइफ का है ये इंश्योरेंस कवर। तो जैसा कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, और ऐसा इंश्योरेंस जो आपका टैक्स भी सेव कर रहा है, तो वो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है बेटर देन इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। मतलब जो आप ऐसे प्लान लेते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ ही इंश्योरेंस भी देते हैं, क्योंकि उनमें रिटर्न रेट तो बहुत ही कम होता है, तो आपके लिए मेरी सजेशन यही है कि इन्वेस्टमेंट करें अलग से और इंश्योरेंस कराएं अलग से। नेक्स्ट जो इसका फीचर रहेगा स्मॉल प्रीमियम अमाउंट बहुत ही कम होता है टर्म इंश्योरेंस में, क्योंकि आपको कोई पे आउट नहीं देते, इसीलिए टर्म इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, जो आपको पर ईयर अमाउंट पे करना होता है, वो भी बहुत मिनिमम होता है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली 5 बेनिफिशियल टैक्स सेविंग ऑप्शंस फॉर यू। आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट कराना चाहूँगी कि ये जो एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यू और एक्सपीरियंस के बेस पे है। ये हर पर्सन के लिए अलग अलग भी हो सकती हैं, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगे तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पर आपके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है टैक्स सेविंग विद टैक्स प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पे हम जो आपको तरीका बता रहे हैं टैक्स सेविंग करने का, वो किसी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं है। विद इन लॉ आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में अपना टैक्स सेव करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, या फिर मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में करें, या फिर ईयर के एंड में करें। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करनी होती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल, साथ ही फाइनेंशियल ईयर के एंड में भी उनको फाइनल अपनी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करनी होती है। तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपनी टैक्स सेविंग्स को जानना, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से अच्छे करना, ताकि उनका टैक्स हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेव। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं है इन सेविंग ऑप्शंस के लिए, उन्हें नहीं पता कैसे करनी होती है टैक्स प्लानिंग। तो बनिए एक जागरूक नागरिक और करिए इस वीडियो को शेयर और भी लोगों के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे मिलती हैं आपको मेरी वीडियोज़ सबसे पहले। Thank you for watching, everyone. Bye-bye.